आइए, आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसनमुक्त भारत, ये हमारा संकल्प है। व्यसन में जैसे शराब के बारे में हम काफ़ी बोलते रहते हैं, अभी मैं आज बोलने वाला हूँ कैफीन इंटॉक्सिकेशन, कॉफ़ी का इंटॉक्सिकेशन। कॉफ़ी ज़्यादा मात्रा में लेने से क्या होता है, काफ़ी लोगों को कॉफ़ी की आदत होती है, हैबिट होती है, कॉफ़ी की नशा आती है और वो कभी कभी बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉफ़ी ले लेते हैं और फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, उसका इंटॉक्सिकेशन हो जाता है। तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। यदि 250 मिलीग्राम के ऊपर यदि कैफीन अपने बॉडी में जाता है, मतलब यह तीन स्ट्रांग कॉफ़ी कप, बड़े बड़े कॉफ़ी के मग, तीन स्ट्रांग कॉफ़ी के मग आप लेते हो तो कॉफ़ी का इंटॉक्सिकेशन हो सकता है। तो अभी इसमें 12 अलग अलग लक्षण हैं, इसमें से 5 लक्षण यदि दिखाई देते हैं तो हम समझते हैं कि उसको कॉफ़ी का इंटॉक्सिकेशन हो गया, कॉफ़ी का नशा इसको चढ़ गया और कॉफ़ी के नशे के अंतर्गत वो भी वो तक हरकतें कर रहा है। एक है बेचैनी, बहुत बेचैनी उसको है और घबराहट उसको हो रही है। नंबर दो, उसको खिन्नता है, नर्वसनेस है, या फिर उसको नंबर तीन उत्तेजना आ सकती है, बहुत ज़्यादा उत्साहित उत्तेजित हो जाता है। नंबर चार, नींद नहीं आना। नंबर पाँच, चेहरा लाल हो जाना। नंबर छः, बार 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 पेशाब को जाना। नंबर सात, पेट के विकार, एसिडिटी, पेट का फुगारा है ना, बेचैनी, पेट को रेस्टलेसनेस, ऐसा पेट में कुछ ऐसा हरकतें लगना, ढकार आ जाना। आठ, स्नायु झटकना, ऐसे झटके आते हैं उसको। नौ, असंबंध विचार और बड़बड़। दस, सीने में धड़कन, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ग्यारह, थकान उसको आती नहीं है, काम करते रहता है या बातें करते रहेगा, थकान नहीं आती नहीं है। और 12, बेचैनी से वो इधर से उधर घूमेगा, उधर से इधर घूमेगा, ऐसा करते जाएगा। कॉफ़ी की मात्रा इंस्टेंट कॉफ़ी में काफ़ी रहती है, इंस्टेंट कॉफ़ी जो मिलती है बाज़ार में, एस्प्रेसो कॉफ़ी, स्ट्रांग कॉफ़ी पाउडर जो रहती है, और वो यदि हम लेते हैं 3 कप तो। फिर कॉफ़ी चॉकलेट, कोका बिवरेजेस जो है, कोका ड्रिंक्स, कॉफ़ी आइसक्रीम, वजन कम करने वाली दवाओं में कैफीन रहता है, खिलाड़ियों को दिया जाने वाला जो खान पान है उसमें कैफीन रहता है, फिर कैफे कॉफ़ी सोडा, इंस्टेंट टी, मिल्क चॉकलेट और अलग अलग तरह के जो कॉफ़ी पाउडर्स है जिससे कॉफ़ी बनती है वो, ऐसे अलग अलग बिवरेजेस है कि जिसमें कॉफ़ी का प्रमाण रहता है और फिर उसको इंटॉक्सिकेशन उसका हो जाता है। अब ये इंटॉक्सिकेशन हो जाए तो उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। सिम्टोमेटिक मतलब जैसे लक्षण है वैसा उसका इलाज करना जरूरी है, और वो इलाज यदि करते हैं तो कॉफ़ी का नशा धीरे 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 उतर जाएगा। कॉफ़ी का जिसको जिसको आदत लगी हुई है कॉफ़ी की और वो एकदम कॉफ़ी एकाएक बंद कर देता है तो कॉफ़ी का विड्रॉल उसको आता है, कैफीन विड्रॉल, वो अलग वीडियो में मैं डील करूँगा। अभी तक इतना ही है कि कॉफ़ी का इंटॉक्सिकेशन जो है वो पहचानना जरूरी है, और कॉफ़ी का इंटॉक्सिकेशन होने से यदि उसको काम करने में दिक्कत है, आपसी संबंध में उसको दिक्कत आ रही है, समाज में वो काम नहीं कर सक रहा, लोगों के साथ में काम नहीं कर सक रहा, तो उसका इलाज करना पड़ता है। काम पड़े तो उसको हॉस्पिटलाइज करके उसका इलाज करना पड़ेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।